गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। कैसे हो? तो अभी ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्टिंग का चालू है, तो 20-25 कैरेट हुए हैं और भी माल लगा हुआ है। ये दो दिन के बाद कल निकालेंगे, ये कल या परसों। तो क्या आधा पका हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा अभी जो पूरा पक गया ना वो निकल जाए। इधर अपना लहसुन डाला हुआ है, अभी उग रहा है नहीं उग रहा है पता नहीं। तो पानी भी चलाना है तो चला देते हैं पानी। ये अपना सी वेराइटी है, वैसे तो अंदर से पिंकी होता है लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसका फ्रूट का जो पूरा शेप है ना वो अलग है, और ये अपना नॉर्मल है। देखिए फर्क है इसमें, एकदम पिंक नहीं होता, लाइट पिंक होता है ये पूरा। तो इसका जो वाल्व है वो खोल देते हैं। ये अपना लौकी है, लौकी काकड़ी भी है साथ में, लौकी भी है। ये सारा जो वाइट वाला है ना उसमें फंगस बहुत आती है, देखिए तो सही, बहुत फंगस है यार, पूरा भरा पड़ा है। देखिए ये रहा एक बोरा बड़ा लीफ, ये निकालना है इसकी जगह पे, दूसरा डाल देना है। ये अपना सी वेराइटी है, अलग है। और ये भी वाइट है, जो जो वाइट वाला होता है ना उसमें फंगस ज़्यादा, पता नहीं यहाँ का एटमोसफियर सेट नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। सभी वाल्व खोल देते हैं इसके। अभी चालू करते हैं वहां पे, क्योंकि पानी तो इसको चाहिए लहसुन को। थोड़ा ट्राई किया है ड्रिप इरिगेशन में लहसुन को क्रॉपिंग करने का, तो क्या है पता चला कैसा होता है, वरना तो फ्लड इरिगेशन में तो हो ही जाता है इसमें, तो पूरा पूरा ऐसा क्यारा भरना पड़ता है। क्योंकि ये भी पक जाएगा दो दिन में, कल या परसों। माल तो है अभी, आज 50 कैरेट होंगे, तो अभी है ना कैरेट में ही भेजना है माल को। ग्रेडिंग करके दो ग्रेड होते हैं, 250 से नीचे सुपर ग्रेड, 250 से ऊपर जितना हो इतना वो A+ ग्रेड। तो कैरेट के साथ जाएंगे, तो 17 किलो उसमें डालना है, तो कैरेट के साथ 18.5 किलो होगा, 1.5 किलो का 1 किलो का कैरेट होता है। तो कैरेट आएंगे वो मंडी वाले का ही है, तो पहले एक कैरेट उसको नाप के तोल के पता कर लेंगे कितना है। अभी मुझे पानी भी चालू करना है, तो चलो करते हैं पानी चालू, कितने पक्के हैं देखिए, बहुत है यार, फट ना जाए। यहाँ पे चल रहा है देखो, ये उतरने का इसमें ज्यादा है। ओहो देखिए तो सही कितना है, बहुत पक्के है। देखिए सब निकालना पड़ेगा सभी, तो अभी मैं थोड़े थंबनेल ले लेता हूँ। ये तो देखिए कितना है, ये देखिए अभी है ना थोड़ा वो चिकास वाला है ना वो है, ये वो इसका खुद का सलाइवा है। तो मैं थोड़ा थंबनेल ले लेता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। अभी चालू करते हैं इसको, देखते हैं कितना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल कितना। अच्छा है प्रेशर, तो दिक्कत नहीं होगी, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अभी बज रहे हैं 10:30-11:12 बजे तक चलाएंगे। अभी वहां तक पहुंचे, देखिए हो रहा है बसंतर कितना बाकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी 8 लाइन बाकी हैं, बहुत सारी लाइनें अभी बाकी पड़ी हैं। देखिए ये यहाँ से है
अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कितनी लाइन बाकी है। तो बहुत सारा माल इसमें से 20-25 कैरेट निकलेंगे माल। अभी तो क्या है जो आधा पका हुआ है उसको तो हम छोड़ दे रहे हैं, पूरा पका है वही ले रहे हैं। तो 40-50 माल ये राज भाई का भी इतना हो गया है, देखिए उसका भी पक गया है, तो इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। वो भी दोपहर के बाद आएंगे। अभी विशाल भाई का चल रहा है वहाँ पे कटिंग, मतलब हार्वेस्टिंग चल रहा है ड्रैगन फ्रूट का, देखते हैं क्या होता है। अरे अपना ट्रांसफॉर्मर तो अगले वीडियो में देखा आपने, लग गया राज भाई का पौधे के लिए लखा है। मैं फ्यूज डाल देता हूँ क्योंकि हम फ्यूज़ निकाल के रखते हैं, अभी बारिश का सीजन था ना, बिजली बिजली गिरे तो इसमें मोटर में तकलीफ ना हो, इसलिए फ्यूज़ हम निकाल के ही रखते थे। तो ये डालना पड़ेगा अभी, ये क्या एक ये फेस है और ये अपने जो वहाँ पे है ना गोडाउन, वहाँ पे लाइन जा रही है। देखिए ये अपना मीटर लगा हुआ है, PGVCL का प्रॉपर्टी है, मतलब देखिए पूरा चल रहा है। अभी पल्स अभी है नहीं, कुछ यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए पल्स नहीं दिखा रहा है। अच्छा है प्रेशर, मुझे है ना इस साइड वाला वाल है ना थोड़ा वो करना पड़ेगा, आधा 50% बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे प्रेशर मिला ना, इसलिए फिर भरेगा तब बाद में काम होगा। करता हूँ कुछ ये भर जाए उसके साथ। थोड़ा आगे किया ये ट्रांसफॉर्मर, इसलिए इसका कारण रीज़न एक है कि बाजू में जो है ना वो ज्योतिग्राम 24 घंटे वाला लाइन जा रहा है, देखिए ऊपर दिख रहा है आपको पूरा, तो उसमें टच ना हो जाए इसलिए थोड़ा आगे की तरफ रखा है। कोई ये है ना पहले ट्रांसफॉर्मर पहले आ गया था, बाद में ये लाइन गया तो इसको पूरे का पूरा टच कर दिया, दीवार के आसपास जा रहा है इसलिए। ये देखिए 2024 का मैन्युफैक्चरिंग है ये ट्रांसफॉर्मर का। अभी क्या है इधर तक कनेक्शन कर दिया, अभी ये जो 3 जा रहे हैं लाइन उसमें से कनेक्शन देंगे। तो वो क्या अभी ये कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं ना उन्होंने ये DP इंस्टॉल मतलब ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल कर दिया, उसका काम इतना ही था, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन कर देंगे। तो बाद में जो PGVCL वाले लोग हैं ना वो आएंगे, PGVCL वाले आएंगे या तो फिर GETCO वाले आएंगे, क्योंकि GETCO है ना वो PGVCL को बिजली सप्लाई करती है, गुजरात एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी ऐसा कुछ है। तो PGVCL तो पता ही आपको, टोटल 4 जोन है, PGVCL, UGVCL, MGVCL और DGVCL, 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। पहले तो सिर्फ गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड GEB करके था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है, PPP मॉडल पर चल रहा है PGVCL, ऐसा 50% प्राइवेट कंपनी की तरह चलता है ये। अभी उतारने का चालू है, देखिए बहुत सारा है, देखिए ड्रैगन फ्रूट यहाँ से तो नहीं दिखेगा आपको। तो अभी है ना मोटर स्टार्ट कर दिया है हमने, ये प्रेशर भी जा रहा है और मोटर का भी चालू है। प्रेशर दिखाता हूँ आपको कितना जा रहा है, 2.25 तक जा रहा है, देखिए अभी ये कंप्लीट प्रेशर है, अभी 2 घंटा चलेगा पानी। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, अगर YouTube पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और अपना Facebook पेज पे देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।